हाय एवरीवन आज का टॉपिक है हमारा अरुणाचल प्रदेश पे उन्होंने स्टेट बटरफ्लाई अपने अनाउंस की है केसरे हिंद उसका नाम रखा गया है ये डिटेल में हम डिस्कस करते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील क्या दो वी कैन विक्यूज टिप्स चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा उसके साथ लेटेस्ट मैं आपको बता दूं ऑफ चल रहा है हमारे स्मार्ट कोर्सेज पे आप कोड गेट थर्टी यूज कर सकते हैं ये सब कोर्सेज हैं जिन पे ऑफ है आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या जो ये नंबर है कोई भी डिटेल में जानकारी आपको कोर्सेज से रिलेटेड चाहिए तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके ले सकते हैं अब देखिए रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग हुई और वहाँ पे उन्होंने एक रेयर स्पीशीज़ है केसरी हिंद बटरफ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम है पैल्पस एम्पेरियलस इसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज अपने स्टेट बर्ड स्टेट फ्लावर्स स्टेट एनिमल्स घोषित करती हैं स्टेट बटरफ्लाई भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स ने अनाउंस किया है इससे क्या होता है कि एक तो इम्पॉर्टेंस मिलती है आपके स्टेट आपका जो एरिया है यूनियन टेरिटरी है स्टेट के बायोडाइवर्सिटी को पता चलता है कि कितनी रिच बायोडाइवर्सिटी है दूसरा उस पर्टिकुलर एनिमल को कंजर्वेशन प्रोटेक्शन भी मिलती है अरुणाचल टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ आई थी केसरे हिंद अडॉप्टेड एज स्टेट बटरफ्लाई तो स्टेट बटरफ्लाई आपको पता होना चाहिए स्पेशली जो स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश पी की तैयारी कर रहे हैं ये एक बहुत ही रेयर और एल्यूसिव स्पीशीज़ है रेयर मतलब बहुत कम दिखती है ऐसा नहीं आपको बहुत कॉमन मिलेगी कॉमन वैसे भी किसी कॉमन चीज़ को एनिमल को या फ्लावर को स्टेट एनिमल घोषित नहीं किया जाता या स्टेट इतनी बड़ी उपाधि नहीं दी जाती क्योंकि ठीक है उसकी कंजर्वेशन का हमको इतना डर नहीं रहता तो यूजुअली जो रेयर एंड एल्यूसिव स्पीशीज़ होती हैं उन्हीं को ये डिक्लेयर ऐसा किया जाता है तो एल्यूसिव स्पीशीज़ होगी कि इतनी ईजिली आपको नहीं मिलेगी या याद नहीं रहेगी बहुत रेयर स्पीशीज़ है ये एक बटरफ्लाई है जो मीडियम और हायर एलिवेशन पे पाई जाती है एल्यूसिव स्वालो टेल बटरफ्लाई या केसर ए हिंद ये आपको सदर्न चाइना वियतनाम लाओस म्यंमार भूटान नेपाल इन एरियाज़ में भी मिलेगी अभी ये जो पूरे स्टेट कैबिनेट मीटिंग हुई इसमें कुछ और डिसीजंस भी लिए गए हैं पहली बार ये स्टेट कैबिनेट मीटिंग कैपिटल है आपकी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर तो यूजुअली ऐसी मीटिंग्स ईटानगर में ही होती हैं लेकिन इस बार ये मीटिंग ईटानगर में ना होते हुए एक अनयूजअल लोकेशन पर हुई जो आपका पाके टाइगर रिजर्व है वहाँ पर इस टाइगर रिजर्व में ये मीटिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट इस बार एक कैबिनेट मीटिंग में देखिए एक लैंडमार्क भी अडॉप्ट करते हैं पाके टाइगर रिजर्व 2047 जीरो मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव अरुणाचल तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश थोड़ा क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सीरियस हो रहा है और उस डायरेक्शन में उसने स्टेप्स लिए हैं इस कैबिनेट मीटिंग में भी अनाउंस किए और देखिए यहाँ पर ये यह टाइगर रिजर्व है यह इंडिया का मैप है यह आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया अरुणाचल प्रदेश में इस एरिया में यह आपका टाइगर रिजर्व है अब इस डिक्लेरेशन में काफ़ी सारे चीज़ें अनाउंस की गई कि कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोग्राम्स डेवलपमेंट जो है वो शुरू की जाएगी और अरुणाचल प्रदेश में विद ऑल राउंड एफर्ट्स कि डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट का जो रिच बायोडावर्सिटी है उसका भी ध्यान रखा जाएगा इंपॉर्टेंट टेकअवे इस मीटिंग के कुछ और बटरफ्लाई के साथ साथ मैं आपको और बता दूँ रीनेम किया है गवर्नमेंट ने पहले इनका डिपार्टमेंट था इन्वायरमेंट द इन्वायरमेंट इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको रीनेम कर दिया है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट तो देखिए क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे नाम ऐड किया गया है और क्लाइमेट चेंज पे ये जोर दे रहे हैं कि एक ग्रेटर इम्पेट्स यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को मिल पाए और जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स हैं अरेंजमेंट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि हाउ सीरियस अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन्होंने एक नया लोगो और एक फ्लैग जो है जो हर स्टेट की फॉरेस्ट फोर्स होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है फॉरेस्ट फोर्स के लिए एक नया लोगो और फ्लैग जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला है इस लोगों में स्टेट सिम्बल्स आपको दिखेंगे एक

का विंग स्पैन जब ये विंग्स अपने पूरे प्रॉपर ऐसे खोलती है तो पूरा विंग स्पैन 90 टू 120 ट्वेंटी mm एम तक जाता है सिक्स स्टेट्स में ईस्टर्न हिमालयस में पाई जाती है एलिवेशन 6000 टू 10000 थाउजेंड फीट वेल वुडेड टेरन में पाई जाएगी और ग्रीन कलर की शिमरिंग ग्रीन कलर होता है इसका ब्राइट येलोज भी हैं देखिए ग्रीन है येलो है, yellow है. और ब्लैक कलर ये सब रेयर बटरफ्लाई विजुअल डिलाइट यानी देखने में बहुत ही प्यारी खूबसूरत बटरफ्लाई आपको दिखेगी बहुत तेज़ी से उड़ती है स्ट्रॉन्ग और फास्ट फ्लाइट होती है पेड़ों के ऊपर तक पहुँचती है और स्ट्रोंग मॉर्निंग जब आपकी रहती है और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती है तो ये ऊपर से उड़ती उड़ती नीचे आती है लो वेजिटेशंस पे आपको मिलेगी अप्रैल टू जुलाई ऐसा पीरियड रहता है जब ये उड़ान भरती है बहुत ज़्यादा और एग्स कहाँ देती है लीव्स के अंडर साइड में पेल पर्पलिश कलर रेड कलर में और स्मूथ स्फेरिकल शेप इसकी एग्स की रहती है ये जो कलर दिखाया ये इसके एग्स के बारे में बताया कि किस तरह किस के इसके एग्स का कलर होता है ऑल दो केसरे हिंद को प्रोटेक्शन मिली है स्कड्यूल टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लेकिन फिर भी जो आ, इसको बटरफ्लाई कलेक्टर्स होते हैं जिनको शौक़ होता है बटरफ्लाईज़ को मार के कलेक्ट करने का इसको हंट किया जाता है दैट तो इसको प्रोटेक्शन है स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जनवरी 22 सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी में एक्सेप्ट किया था एक प्रपोजल था कोच रनिया से जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं हपोली फॉरेस्ट डिवीजन के लोअर सुबसानसरी डिस्ट्रिक्ट में कि केसरे हिंद को स्टेट बटरफ्लाई बनाएंगे तो ये प्रपोजल 2020 में ही दिया था तब एक्सेप्ट भी कर लिया गया था आ, लेकिन इसको ऑफिशियली अनाउंस अभी किया गया है प्रपोजल क्यों दिया गया था ये कि बटरफ्लाई टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए बूस्ट करने के लिए और इस स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए कि ऐसा ना हो क्योंकि ऑलरेडी रेयर है स्पीशीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलती तो कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए पहला इसका डेड स्पेसिमेन केसरी हिंद का रिकॉर्ड किया गया था सिक्किम में मिला था बाय ऊषा लचुब्बा ये सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल है स्टेट की टू में इसका डेड स्पेसिमेन लिया गया था बाद में इसको लाइव कैमरा में भी बहुत बार कैच किया गया है पार्टिसिपेंट्स के द्वारा जब बटरफ्लाई वॉचिंग मीट होता है अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत सारी बटरफ्लाईज वहाँ पे पाई जाती हैं आपके ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2014 की बात की जा रही है तब इसको लाइव भी कैप्चर किया गया था तो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द स्टेट स्टूडेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर अरुणाचल प्रदेश पी एंड यूपीएससी के हिसाब से इसलिए क्योंकि स्टेट बटरफ्लाइज कुछ ही स्टेट्स ने रिसेंटली अनाउंस की हैं तो ऑलमोस्ट सब स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए अब देखिए ये क्वेश्चन है ड्यू टू सम रीजंस इफ़ देयर इज ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसिस देखिए हर एक एनिमल बर्ड छोटे से छोटा आपको ये समझना है कि वो एक बैलेंस इकोसिस्टम में बना के रखता है अगर आप सोचो हम बटरफ्लाई क्या छोटा सा तो ये इंसेक्ट है अगर नहीं भी रहेगा तो क्या लेकिन ऐसा नहीं है इकोसिस्टम में उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है मैंने एक लेक्चर बनाया था कि हिमाचल प्रदेश में हनी भी एक तरह की जो वहाँ पे पाई जाती है उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो आप सोचेंगे हनी भी से क्या फ़र्क पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं होता इकोसिस्टम में हर एक Uh, जो छोटे से छोटा इंसेक्ट है उसका इम्पॉर्टेंस है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम हो जाएगी पॉलीशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड पॉलिनेशन कम हो जाएगी देर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शंस इट कुड लीड टू फॉल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वैस स्पाइडर्स एंड बर्ड्स क्योंकि आपका प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप भी मेनटेन रहना चाहिए तो एक स्पीशी के जाने से पूरी जो चेन है वो बर्बाद होती है तो आप बताइए इसमें सही आंसर क्या है नहीं मालूम तो टेलीग्राम पे पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पे आपको सही आंसर पता चल जाएगा बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए ईएमआई पे भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आप कॉल करके नीचे नंबर पर सारी जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच